महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया ठाकरे का उदय हुआ है। जी हाँ, अमित ठाकरे राजनीति में ये डेब्यू कर रहे हैं। ये राज ठाकरे के बेटे हैं, मुंबई की माहिम सीट पर ये चुनाव लड़ेंगे। और देखिए कैसे इनके घर में आरती उतारी गई, फूल माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि माहिम सीट पर उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत को उतारा है। एकनाथ शिंदे की तरफ से सदा सरवणकर मैदान में है। सरवणकर 2004, 2019, 2014 यानी कि विधायक ये तीन बार से रहे हैं, तीन बार के एमएलए हैं। इसलिए अमित ठाकरे की राह इस सीट पर आसान नहीं है। हालांकि इस बीच खबर ये आ रही है कि भाजपा इन्हें अपना समर्थन दे सकती है। भाजपा नेता आशीष सेलार ने क्या कहा है, आपको हम सुनवाते हैं। ये अमित ठाकरे जी के रूप में नया नेतृत्व आ रहा है तो एक विधानसभा का चुनाव हम तीनों मिलकर उसको समर्थन दे, ये एक अच्छा संदेश जाएगा, ये महाराष्ट्र की संस्कृति दिखाएगा। ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा है और कहा है कि शिंदे से हम इस पर बात करेंगे। मुंबई की राजनीति में पहले से ये सक्रिय हैं। पिता राज ठाकरे ने पार्टी की छात्र यूनिट का इन्हें प्रमुख बना रखा है। नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष की हैसियत से छात्रों और युवाओं के बीच ये अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे चुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके कुछ दिनों बाद ही राज ठाकरे ने बेटे अमित को पार्टी में लॉन्च किया था। तब से ही ये माना जा रहा था कि आदित्य की सियासत को भविष्य में अमित टक्कर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।